बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन की बहुत ही खूबसूरत और प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे ये घर 10 मरले का खूबसूरत डिजाइन में तैयार करदा घर लोकेटेड है और मार्केट में अवेलेबल है सेल के लिए। ये घर जो है व्यूअर्स कम्प्लीटली जो है वो कैश पे अवेलेबल है। और देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काइंडली आप एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इस घर का फ्लोर प्लान, खूबसूरत इसका इंटीरियर डिजाइन और फर्दर प्राइस की डिटेल्स आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। आप इस टाइम इसका खूबसूरत एलिवेशन चेक करें, जो कि कंप्लीटली कंटेम्प्रेरी मॉडर्न तर्ज में जो है वो डिजाइन किया गया, खूबसूरत रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया इसकी एलिवेशन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए, और 5 बेडरूम की अकोमोडेशन जो है वो डिजाइन की गई है इस घर में। बताता चलूं, अगर इस घर की एमिनिटीज की हम बात करें और इसकी जो है वो एक्सेस की बात करें, तो व्यूअर्स घर के बिल्कुल आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड पर जो है यहाँ पे खूबसूरत पार्क मौजूद है बहरिया टाउन का, और बिल्कुल सामने आप अगर देखेंगे तो ये व्यूअर्स बिल्कुल मार्केट की यहाँ पे जो है वो एक्सेस जो है वो इजीली अवेलेबल है। बढ़ेंगे दोबारा हम इसके डिटेल टूर की जानिब। 10 मरला आपको मैंने साइज बताया, और इसकी जो डायमेंशन है व्यूअर्स वो 35x70 जो है वो इसके प्लॉट की डायमेंशन यहाँ पे बन रही है इस प्लॉट की। बढ़ते हैं आप डिटेल टूर की तरफ, तो आप लेफ्ट साइड पे इसका जो है वो एक्सटर्नल ग्रीन एरिया चेक कर सकते हैं, और खूबसूरत वॉल पे जो है वो इसकी 2-वेज लाइट्स का इस्तेमाल किया गया इसकी वॉल को जो है वो मजीद खूबसूरत बनाने के लिए। मेन डोर से हम एंटर होते हैं तो हमें जो है वो इसके खूबसूरत पोर्च की स्पेस मिल रही है, जिसमें ईजिली जो 2 गाड़ियाँ एट अ टाइम इस पोर्च के अंदर जो है वो पार्क हो सकती हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे गैलरी एरिया आ गया, अंडरग्राउंड यहाँ पे वाटर टैंक है और वाटर पंप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया पानी को अपलिफ्ट करने के लिए। बहरिया टाउन बायलास के मुताबिक जो है वो 10 मरला घर में हमें 2 साइड ओपन गैलरीज मिलेंगी, ये राइट साइड और बैक साइड पर जो है वो हमें इसकी यहाँ पे एक्सेस मौजूद है। प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है, यहाँ पे अलहदा फर्स्ट फ्लोर का डोर डिजाइन हुआ हुआ है, और आगे चलेंगे तो हमें जो है वो किचन का डोर मौजूद है और लॉन्ड्री पर्पज के लिए यहाँ पे स्पेस जो है वो डिजाइन की गई है। थ्रू आउट बाहर एलिवेशन पे और इंटरनल वॉल्स पे जो है वो रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया वॉल्स को मजीद खूबसूरत और इसमें जो है वो मजीद लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इसको बनाने के लिए। सॉलिड वुड के डिजाइन करदा डोर है, ये देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर एक्सेस मौजूद है, और ये इसके ड्राइंग रूम की एक्सेस देख सकते हैं, और बड़ा खूबसूरत कलर जो है वो इसके डोर्स का जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया। हम एंटर होते हैं इसके खूबसूरत मेन डोर से, तो हमें खूबसूरत और छोटी सी लॉबी मिल रही है, जो कि हमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर की प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेस मौजूद है। स्टेज जो है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए मूव हो रही है। बिल्कुल सामने हमें एंटर होते साथ ही जो है वो यहाँ पे पाउडर बाथ मिल रहा है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो बाकी घर की जो है वो अकोमोडेशन मौजूद है। मैं आपको जो है वो इसका जो राइट साइड पे इसका पाउडर बाथ है वो चेक करवा देता हूँ। जी, ये इसका यहाँ पे पाउडर बाथ है, वॉल है, कमोड है मिराची कंपनी का, और सेम फैसल कंपनी का जो है वो वाटर टैंक इसमें कंसील्ड इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे खूबसूरत जो है वो मिरर और इसकी वैनिटी यहाँ पे डिजाइन की गई है। ये भी उस पाउडर बाथ हो गया, और अब हम फर्दर आगे मजीद घर की अकोमोडेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड पे जो है वो इसके ड्राइंग रूम को टूर करना होगा इस साइड पे। राइट साइड पे टेबल लॉन्च और बाकी बेडरूम की जो है वो बाकी घर की अकोमोडेशन जो है वो मौजूद है। तो व्यूअर्स हम सबसे पहले इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। ये इसका खूबसूरत ड्राइंग रूम है, बिल्कुल वहां से आप घर के बाहर से अपने गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैट फिनिश में जो है वो खूबसूरत वेंटिलेशन विंडो, और उसके आगे जो है वो खूबसूरत जो है वो इसकी मेटल की जो है वो आप देख सकते हैं सेफ्टी ग्रिल्स मौजूद है। सीलिंग डिजाइन आप चेक कर सकते हैं, और खूबसूरत जो है वो फानूस का इस्तेमाल किया गया, खासी अच्छी और बड़ी स्पेस यहाँ पे जो है वो डिजाइन की गई है। अगर हम बात करें भी उस इसके जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स की, तो आप देख सकते हैं मैट्रेस कंपनी के जो है वो इनके जो है स्विचेस और बोर्ड्स का इस्तेमाल किया गया एक जो है वो खूबसूरत और नए डिजाइन में। उसके बाद हम देखें तो ये आप देख सकते हैं पार्टीशन की गई है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के मिड में, यहाँ पे जो है वो आप घर बाय करने के बाद कर्टन्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। जी, बस अब हम चलते हैं इसके टीवी लाउंज में, तो इस ग्राउंड फ्लोर के जो है वो आप हमें इस एरिया का जो है वो टीवी लाउंज देखने को मिल रहा है, जिसकी खूबसूरत ये मीडिया वॉल आप सामने देख सकते हैं। जी, मीडिया वॉल के बाद आप इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन देख लें, जिसमें आप देख सकते हैं ड्यूल फैन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ और खूबसूरत जो है वो फानूस का इस्तेमाल किया गया। टीवी लाउंज के बाद अब हम बढ़ेंगे बाकी अकोमोडेशन की जानिब, तो सामने मैं आपको थोड़ा सा फ्लोर प्लान गाइड कर देता हूँ। आप वो मेन डोर से एंटर हुए तो इस साइड पे आपको जो है वो ड्राइंग रूम मिल गया है, टीवी लाउंज की स्पेस में हम मौजूद हैं, सामने 2 बेडरूम की अकोमोडेशन अवेलेबल है, और बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर इसका क्लोज किचन डिजाइन किया गया इसके ग्राउंड फ्लोर का। तो सबसे पहले हम
हमें इसके किचन को देखना है। किचन में भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम हुआ हुआ है इसकी फिनिशिंग को लेके। हम इसके किचन में व्यूअर्स एंटर होते हैं तो कम्प्लीटली यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है जो मैट फिनिशिंग में। ऊपर वाली जो कबर्ड्स है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है और जो नीचे वाली कबर्ड्स हैं उसका कलर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ये इसकी क्रॉकरी कबर्ड आ गई है। ऊपर आप इसका जो है वो एक मजीद आप चेक कर सकते हैं रैक जी। काउंटर टॉप की बात करें व्यूअर्स तो काउंटर पे जो है वो मार्बल का इस्तेमाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बड़े साइज का जो है वो बर्नर अवेलेबल है। बर्नर के ऊपर आप इसका रेंज हुड चेक करेंगे, ये इसका व्यूअर्स ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे रेंज हुड अवेलेबल है। और उसके बाद आप इसकी जो है वो कैबिनेट चेक कर सकते हैं ऊपर वाली। इस साइड पे अगर हम देखें तो इस यहाँ पे जो है इसका सिंक आ गया है, उसके ऊपर वेंटिलेशन विंडो है छोटी सी सिक्योरिटी के साथ। टॉप पे आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है और ये वाला जो डोर है ये एग्जिट होगा आपकी जो गैलरी साइड बनती है आपका।